बूंदी में आज से 3 दिवसीय बूंदी महोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आपसी सहयोग से स्कूली छात्र छात्राओं और सांस्कृतिक कलाकारों ने भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सहित कई समाजसेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। महोत्सव का शुभारंभ आज 11 अपने जो तारीख है उसके दिन हुआ है। सुबह गणेश जी की पूजा से शुरू हुआ है और प्रयास ये रहा है कि सारी जनता जुड़े, सब लोग जुड़े इससे। तो आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। जनप्रतिनिधियों का भी आशीर्वाद हमें मिला है, इसके अलावा जो राज परिवार है उनका सहयोग मिला और आमजन का बहुत सहयोग मिला है। हर आदमी ने यहाँ जुड़ने की कोशिश की और अभी जो शोभा यात्रा चलेगी तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उसका स्वागत करने के लिए निवेदन आया है, तो हम आपके साथ वहाँ चले। बूंदी की पहचान बहुत से प्रोविंसेस से, इलाकों से पुरानी है। अब इसको कितना पुराना रूप दे सकते हैं, उसी के आधार पे टूरिस्ट आते हैं। हम इसको नया स्वरूप देंगे तो टूरिस्ट कम आएंगे। बूंदी के हालात सुधरे, टूरिज्म बढ़े, और ये भी आपको ध्यान है कि झालावाड़ कोटा बूंदी के मुकाबले टूरिस्ट में कुछ भी नहीं था। यहीं चित्रशाला थी, यहीं आपके जितने भी झरने हैं वो सब थे, यहीं 84 कंपनी की छतरी थी और यहीं आपके नगर पालिका के पीछे पुराने महल हैं, वो सब धीरे धीरे डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। कोटा और झालावाड़ की पहचान बढ़ती जा रही है, मतलब बहुत दुखदायी है। बूंदी जिले वालों के लिए तो कष्टप्रद है, इससे टूरिस्टों का आवागमन उनके मुकाबले कम हुआ है जबकि पहले यहाँ टूरिज्म ज़्यादा आते थे। बहुत सालों से वेट कर रही थी कि फटाफट से कोरोना जाए और बूंदी सब लगे, और आज मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे फर्स्ट टाइम मैंने ये ज्वाइन किया है। 2 साल की कसर निकाल रही है, 2 साल की कसर पूरी निकाल रहे हैं। स्कूल में हमारे एग्जाम चल रहे हैं, बस हम 5 मेंबर्स आए रिप्रेजेंट करने स्कूल को, लेकिन फुल एंजॉय कर रहे हैं। इंडियन कल्चर वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी डाइवर्स, एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री देयर इज समथिंग डिफरेंट टू सी।